हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास फॉर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम इन मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो आप सभी आंसर कर पाओगे इस चीज को कि ऐसा मोशन जो क्या करता है, रिपीट करता है खुद को एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे क्या बोला जाता है? उसे पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, एक सिंपल पेंडुलम का केस ले सकते हैं हम। क्या हो होता है वो? पीरियोडिक मोशन। ए और बी क्या आ जाएंगी इसकी? एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाएंगी। और ओ क्या आ जाएगी इसकी? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, जितने टाइम इंटरवल के बाद जो जैसे पेंडुलम है वो क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। जैसे मान लो ए पोजीशन से हमने रिलीज किया, तो बी पोजीशन पर जाने के बाद अगेन ए पोजीशन पे आ जाता है, मतलब इसने एक कंप्लीट साइकिल क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो उस स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे? पीरियड बोल देंगे उस पीरियोडिक मोशन का, जिसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? सेकेंड आ जाएगी। और अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, टी की वैल्यू, टी क्या होगा, पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन जी अंडर रूट, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो रेसिप्रोकल होगा पीरियड का, उसे क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन, जिसे न्यू से डिनोट करेंगे, और वो कितनी आ जाएगी? वन अपॉन टी के बराबर। मतलब आपको अगर फ्रीक्वेंसी और पीरियड बताना है, तो पीरियड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और जब आपको पीरियड पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, पीरियड का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो जो यूनिट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, वो क्या आ जाएगी? पर सेकेंड, या फिर इसे वन हर्ट्स से डिनोट कर सकते हैं। वन हर्ट्स का मतलब क्या होगा? वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, वन हर्ट्स किसके बराबर आ गया? पर सेकेंड के बराबर। तो ये आ गया पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसका पीरियड किस तरह फाइंड आउट करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह बतानी है। तो एक सिंपल पीरियोडिक मोशन को किस तरह हम इक्वेशन की फॉर्म में बता सकते हैं? एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे ए क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा पीरियोडिक फंक्शन का या पीरियोडिक मोशन का। और अगर लीनियर फॉर्म में इसको डिनोट करना हो, तो एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक पीरियोडिक मोशन को शो करेंगे। तो मैथमेटिकली भी हमें पता चल गया, और थियोरेटिकली भी, कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। और इसे मैथमेटिकली हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस फाइव है वो क्या है, टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, जिसे क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द मोशन। इसका किस लिए यूज करते हैं? इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन एट अ गिवन टाइम। और जो कांस्टेंट है फाई, उसे क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट या फिर फेज एंगल। और जो वैल्यू है फाई की, वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो पीरियोडिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें जो फोर्स है किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी पे, जो फोर्स है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, किस तरह हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जब जो ऑसिलेटरी बॉडी है उसकी फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तब हम बोल सकते हैं कि कोई बॉडी या पार्टिकल क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, उनकी वैल्यू क्या होती है। जो
सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या देखा हमने कि फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, और वैसे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू ओमेगा ए, और पीरियोडिक फंक्शंस के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा टू टी के बराबर आ गई। ठीक है, तो अगर अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा क्यूब, साइन क्यूब ओमेगा टी द मोशन इज, क्या है डिस्प्लेसमेंट दी गई है पार्टिकल की जिसे रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से, हमें बताना है कि ये किस तरह का मोशन है, नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड 2π/ओमेगा, या सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड π/ओमेगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे क्या आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, कोसिकेंट आ गया एंड सीकेंट आ गया, इनका जो पीरियड है मतलब कितने इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करते हैं, तो ये 2π इनका क्या होगा, पीरियड होगा। और टेन, अगर टेन और कॉट की बात करें तो इनका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, मतलब ये सारे ही कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो एक तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है, साइन दिया है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ठीक है, या फिर इसका पीरियड कितना है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी के बराबर, और यहाँ से हमें पता है एक फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा के बराबर। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना हो, वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली चीज इज इक्वल टू किसके के बराबर आ जाएगी, साइन या फिर थ्री साइन थीटा माइनस थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा के बराबर। ये क्या आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, साइन क्यूब थीटा अपॉन ये क्या आ गया, फोर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू निकल आएगी जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी क्या होगी, इज नॉट प्रोपोर्शनल होगी किसके, वाई के। तो हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वाई होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पीरियोडिक हो या सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक तो है फंक्शन, बट क्या है, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी हो, आप पीरियड क्या है, अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। ओके, बट अगर सिंपल हार्मोनिक का केस पूछा है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि जो उसकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, वहां से आप क्या बता सकते हो कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल्स आर गिवन बिलो। रिलेशन दिया है, हमें बताना है विच वन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है। तो ये एक्सेलेशन का केस है और एक्सेलेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक्सेलेशन के फॉर्मूला में क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, अब मतलब ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं हो सकती हैं, सी और डी में से एक ऑप्शन होगी, तो इसमें से आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे। एक्सेलेशन क्या थी, एक्सेलेशन में सिंपली जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेज टू पावर वन होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। सिंपली ये हम इक्वेशन से ही हमने बता दिया, ठीक है, कि नेगेटिव होगा एक तो, ठीक है, और जो पावर होगी वो वन होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एक्स की वैल्यू दी है ए कॉस ओमेगा टी, वाई की वैल्यू दी है ए साइन ओमेगा टी। हमें जो ट्रैजेक्टरी है मोशन ऑफ पार्टिकल की उसे बताना है कि इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा या फिर स्ट्रेट लाइन। तो किस तरह बता सकते हैं, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन वन आ गई, एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन टू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उनका स्क्वेयर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। यहाँ पे ए स्क्वेयर क्या आ गया, कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर के बराबर, ठीक है। और ये किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन है एक सर्कल की। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, अ सर्कल, सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, हमने देख लिया कि सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और हमें क्या क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसका पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या जब लेंथ इंक्रीज होती है लेंथ का उसके पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज़्यादा थ्रेड की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पीरियड होगा उस पीरियोडिक मोशन का, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।